दिल्ली के जितने कारोबारी यहाँ पर आए हैं, जो हजारों की तादाद में यहाँ पर, मकसद एक है, संदेश एक है कि किसी भी तरीके से सरकार कोई भी कदम उठाए लेकिन जल्द से जल्द राहत दे, जल्द से जल्द राहत दे, क्योंकि अगर राहत नहीं मिलेगी तो व्यापारी सड़क पर आ जाए। क्या ऐसी स्थिति हो गई क्या कि अगर सरकार अब राहत नहीं देगी तो व्यापारी सड़क पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा, जैसा आज हो रहा है? व्यापारी तो मजबूर हो चुका है, पहले नोटबंदी हुई तो व्यापारी टूट गया, उसके बाद जीएसटी करी सरकार ने, कमर तोड़ दी व्यापारी की, आज व्यापारी का कंधा तोड़ दिया, व्यापारी मरने को मजबूर हो गया है। व्यापारी को सरकार या तो मार दे या उसको राहत दे, व्यापारी को कल को ऐसा कोई कदम ना उठाना पड़े तो समाज के लिए वांछनीय ना हो। क्या कहेंगे? व्यापारी की रोजी रोटी छीनेंगे तो व्यापारी जरूर मजबूर होगा। व्यापारी की रोजी रोटी कैसे छीन सकते हैं आप? आपका यूथ परेशान हो रहा है, आप यूथ की यूथ का बताते हैं, यूथ आपका पूरा परेशान हो रहा है, यूथ स्ट्रगल कर रहा है आपका। व्यापारी स्ट्रगल कर रहा है, कुछ क्या कहेंगे आप इसमें? हमारा एक चीज और कहनी है कि जब ये सारे अवैध निर्माण हो रहे थे तो अफसर कहाँ सोए हुए थे, सरकार कहाँ सोई हुई थी, प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? देखिए बहुत ही वैलिड पॉइंट है सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो अरुण जी ने सवाल उठाया कि जब सेलिंग हो रही थी सिर्फ व्यापारियों पे क्यों गाज गिरे, उस वक्त के अफसरों को भी कोई क्यों न जिम्मेदार ठहरा जाए? डेफिनेटली देश आजाद होने के बाद अब तक जो कुछ हुआ है व्यापारियों की देख में और नेताओं की देख रेख में हुआ है। अकेला व्यापारी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अकेला अगर व्यापारी जिम्मेदार होता तो ये काम होता ही नहीं। क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ जो जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तब ये अफसर कहाँ गए थे और नेता कहाँ गए थे? उसके नेताओं को दंड देना चाहिए, व्यापारियों को दंड देते हो? क्या ये माना जाए कि जिस वक्त दिल्ली में सीलिंग हो रही थी उस वक्त के अफसरों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए, सीधे व्यापारियों पे गाज न गिराया जाए? मेरा मानना है इसके अंदर व्यापारी को दोष देना गलत है। ये सब सरकार जो पहले सरकारें रही है, एमसीडी रही, डीडीए रहा है, सरकार ही आगे ये काम कराती है। मेरा मानना ये सरकारी जो कर्मचारियों को सील करा जाए उन्हें सजा देनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो डीडीए है, एमसीडी है, उनका ध्वस्त किया जाए, वही लोग करवाते हैं। व्यापारी कुछ नहीं चाहता, व्यापारी पे सख्ती होगी तो व्यापारी कहीं नहीं करेगा। कई अथॉरिटी ऐसी है जहाँ पर ऐसा काम नहीं होता, जहाँ पर व्यापारी की दुकान नहीं बढ़ा जाती, यहाँ पर ये लोग पैसा खाते हैं, अपने आप व्यापारी को उत्साहित करते हैं, आज व्यापारी को मारने में भी ये लोग सबसे आगे आ रहे हैं। सीधे व्यापारी पे गाज गिराने के बजाय क्या उन कर्मचारियों को भी दोषी मानना चाहिए जिनके समय में ये चीजें हुई? हमारा दिल्ली में जो सीलिंग का जो सरकार की तरफ से वो चल रहा है ये एकदम गलत है। मैं दिल्ली कैनवास मर्चेंट आजाद मार्केट एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि भाई जो है वो हमारा जो है कमर्शियल एरिया है, हमारी जो दुकान अलॉटमेंट हुई है कमर्शियल एरिया है और ऊपर हमारा नक्शे से हमने जो है बनाया हुआ है उसको, हमारा एफएआर पास किया जाए और एफएआर पास करके हम 15 मीटर से नीचे हैं। गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए रेवेन्यू आएगा, अरबों रुपए रेवेन्यू आएगा, भी व्यापारी ही झेले। बिल्कुल, देखिए सवाल बहुत वैलिड है कि व्यापारी कमाता है, सरकार को टैक्स भी देता है अनुराग, और जब इस तरह से चीजें होती है अचानक सारा सिस्टम सोया रहता है और एकदम से सिस्टम जागता है और लगातार सीलिंग होती है, मजबूरी में व्यापारी को सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है।